हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में सारी जानकारी लेंगे। एनडीए एग्जामिनेशन नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कराया जाने वाला एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन के बेसिस पर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता है और जो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एडमिशन होता है वो बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, ये एकेडमीज मॉनिटर करती हैं। तो इसके अंदर एडमिशन यूपीएससी के इस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। ये एग्जामिनेशन साल में दो बार कंडक्ट कराया जाता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर के अंदर। इसके अंदर तीन राउंड होते हैं, पहला राउंड रिटर्न होता है, दूसरा राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का राउंड होता है और तीसरा फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब फिजिकल जो और मेंटल हेल्थ होती है एक कैंडिडेट की, उसको जज किया जाता है। तो तीन राउंड में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं जो 2019 एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जामिनेशन तो अभी निकल चुका है, सेकंड एग्जामिनेशन नवंबर मंथ में होने वाला है। इसके जो रजिस्ट्रेशन है उसका नोटिफिकेशन तकरीबन 7 अगस्त को एक्सपेक्टेड है, 7 अगस्त 2019 को नोटिफिकेशन आएगा। सेप्टेम्बर के करीब इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। एग्जामिनेशन नवंबर मंथ में है। ये जो पूरी डिटेल टाइमलाइन है वो आप अपनी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं। अब मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। जो एग्जाम होता है वो 2.5 आवर्स का होता है, जिसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन मैथमेटिक्स होता है, उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। नेक्स्ट सेक्शन जनरल एबिलिटी होता है, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये 600 मार्क्स का होता है। अगर अब मैं मार्किंग स्कीम के बारे में बात करूं तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है। मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और -0.83 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब जो पूरा पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। इसके अंदर जो मार्किंग स्कीम होती है वो -0.33 होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क एक क्वेश्चन का होता है, -1.33 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल स्टडीज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज के आते हैं। अगर मैं इस 100 क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम की बात करूं तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, -1.33 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल स्टडीज के अंदर फिजिक्स 100 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का आता है, बाकी भी इंडिविजुअली क्या क्या सब्जेक्ट के क्या क्या मार्क्स होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैथमेटिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करें तो ये 11th-12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उसी के ऊपर सिलेबस बेस्ड होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एलजेब्रा, कॉनिक सेक्शन, इस तरह के जो 11th-12th के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं वही सिलेबस इसका होता है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर का पार्ट इसमें चेक किया जाता है। ग्रामर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, राइटिंग के अंदर ग्रामर जो चेक होती है वही जो स्टैंडर्ड कुछ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन के अंदर जो सिलेबस होता है वही सिलेबस इसके अंदर भी होता है। जनरल नॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री 11th-12th लेवल की होती है अगेन, फिर उसके अलावा हिस्ट्री भी पूछी जाती है इसके अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर ज्योग्राफी पॉलिटी भी पूछी जाती है। इसका जो सिलेबस भी होता है वो भी 11th-12th की जो टेक्स्ट बुक्स होती है एनसीईआरटी की उसी के इक्विवेलेंट होता है। अब जो आपकी स्क्रीन पर है वो है रीडिंग रेफरेंसेस। रीडिंग आप इसकी किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आपने कोई कोचिंग लगा रखी है तो वहां पे भी आपको इसका रिकमेंडेशन मिल जाएंगे। मगर जो मेरा रिकमेंडेशन है इसके अंदर 11th-12th क्लास की जो आर एस अग्रवाल होती है मैथमेटिक्स की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी उसी तरह से जो एनडीए और एनए के लिए एग्जामिनेशन के लिए जो बुक्स आती हैं रेफरेंस बुक्स बहुत रेडिली अवेलेबल होती हैं। इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए आप, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट करें। इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर वो मॉक टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं। इसकी जो लिस्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों की जो कट ऑफ गई हैं वो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रखी है। जो कट ऑफ है वो 900 मार्क्स के अंदर हम लोगों ने लिखी हुई है, एक तो रिटन टेस्ट में जो कट ऑफ होती है, फिर जो एसएसबी राउंड होता है इंटरव्यू का जो राउंड होता है उसके बाद और जो कट ऑफ होती है वो भी हम लोगों ने आपकी स्क्रीन पर लिख सकी है। तो आप प्लीज इस वीडियो को पॉज करके ये एक बार टारगेट के लिए एक बार ये कट ऑफ जरूर देखें। लास्टली हम लोग एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के अंदर दो तरह से टेस्टिंग होती है, एक तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग होती है, एक साइकोलॉजी टेस्टिंग होती है। इन दोनों टेस्टिंग के बेसिस पर फिर बच्चे को जज किया जाता है कि बच्चा एलिजिबल है या नहीं जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उसमें एंट्रेंस के लिए। फिर इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाते हैं, जैसे 10+2 का सर्टिफिकेट हो गया, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। तो इससे जो इसकी जो पूरी डिटेल्स है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें एनडीए के बारे में हमने बहुत ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। हमारा इंटेंट ये है कि बच्चे के जो पीसीएम ले रहे हैं वो ये ना सोचे केवल कि इंजीनियरिंग ही एक टारगेट है, एनडीए भी एक बहुत अच्छा
करियर ऑप्शन होता है, देश की सेवा करने का मौका इसके अंदर मिलता है, तो प्लीज आप इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचें, विचारें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।